नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे नींद के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नींद आने में समस्या होती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दवाइयां भी खाते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनको अच्छी नींद नहीं आती। तो नींद के पीछे कौन से ग्रह हैं, अपनी नींद को कैसे बेहतर करें, इस विषय पर आज बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे सफलता के सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः काल 7:05 तक, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 10:36 तक, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 30 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, शुक्र और बृहस्पति विद्यमान है मेष राशि में, केतु विद्यमान है कन्या राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, बुध राहु और मंगल संचरण कर रहे हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे जीवन की सबसे आवश्यक चीज नींद में ग्रहों की भूमिका क्या है। किसी भी जीव की, जिसके अंदर जीवन है, 4 क्वालिटीज पाई जाती हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 चीजें हर जीव के अंदर होती हैं। इसमें निद्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। नींद व्यक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यक आवश्यकता है। बिना नींद के या कम नींद के हम कई बीमारियों और समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। ज्योतिष में लग्न, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव, खास तौर से द्वादश भाव से नींद और शैया सुख देखा जाता है। शनि नींद का प्रमुख ग्रह है, जो हिप्नोटिक एंजाइम पैदा करता है, निद्रा की तरफ आपको ले जाता है, वो शनि है। इसके अलावा चंद्रमा, शुक्र, बुध भी नींद से संबंध रखते हैं। जल की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन, और वायु की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ, ये नींद से संबंध रखती हैं। नींद से सबसे ज्यादा गहरा संबंध जिस राशि का होता है वो राशि है मीन राशि। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और साथ ही साथ बताएंगे सफलता के सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष
वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, करियर की बाधा आपकी दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन संबंधी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं, काम की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, काम में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, किसी बड़ी समस्या को हल कर लेंगे, नौकरी की समस्या हल होगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि नींद कब अच्छी आती है। देखिए, अगर आप शनि प्रधान हैं या शनि आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण ग्रह है तो आपको नींद अच्छी आएगी। चंद्रमा, शुक्र या बुध अगर अच्छे स्थान पे बैठे हैं, कुंडली में सूटेबल सिचुएशन में हैं, तो नींद अच्छी आएगी। खास तौर से शुक्र अच्छी नींद देता है। केंद्र में अगर शुभ ग्रह बैठे हों या अष्टम भाव में केवल शुभ ग्रह बैठे हों तो भी अच्छी नींद आती है। कुंडली में अगर जल तत्व की मात्रा मजबूत हो, जल तत्व की राशियों में अच्छे ग्रह बैठे हों, जल मजबूत हो तो भी नींद अच्छी आती है। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ इन छह राशि के लोगों को सामान्यतः अच्छी नींद आती है। जिनके घर के पास जल का स्रोत होता है, जिनके घर के पास पानी होता है, समुद्र है, नदी है, सरोवर है, पॉन्ड है, ऐसे लोगों को भी अच्छी नींद आती है, ऐसा देखा गया है। अब ये जानते हैं कि कब नींद आने में समस्या होती है। शनि अगर आपका दूषित होगा तो नींद में समस्या जरूर होगी। आप थोड़ी देर सोएंगे, फिर उठ जाएंगे, फिर नींद नहीं आएगी। दिन भर आपको आलस्य बना रहेगा, दिन भर उबासियां लेते रहेंगे। शनि के दूषित होने का गुण है। चंद्रमा या शुक्र अगर पीड़ित हो कुंडली में तो अकारण नींद नहीं आती। यानी आप करवटें बदलते हैं, कोई वजह नहीं होती, फिर भी नींद नहीं आती। लेकिन अगर चंद्रमा के साथ बुध भी पीड़ित हो गया तो चिंता से नींद नहीं आती। तनाव की वजह से, चिंता की वजह से नींद नहीं आएगी अगर चंद्रमा के साथ बुध भी पीड़ित हो गया है। अगर कुंडली अग्नि तत्व वाली हो, मेष, सिंह, धनु, या पृथ्वी तत्व वाली हो, वृषभ, कन्या और मकर,
तो भी नींद आने में थोड़ी मुश्किल होती है। मंगल अगर कुंडली में ज्यादा प्रचंड हो, मंगल की भूमिका अगर कुंडली में ज्यादा हो तो शारीरिक तकलीफ से नींद नहीं आती। शरीर में इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है, इस वजह से नींद आना मुश्किल हो जाता है। तो मुख्यतः नींद आना ना आना आपके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। आपकी मानसिक स्थिति जैसी होती है, नींद की अवस्था वैसी ही होती है। इसीलिए चंद्रमा जिनका गड़बड़ होता है उनकी मानसिक स्थिति बेहतर नहीं होती और उन्हें नींद आने में समस्या होती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे सफलता के लिए एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन प्राप्ति के मजबूत योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष की समस्याएं आपकी हल होंगी। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, सेहत की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अच्छी नींद प्राप्त करने के, अच्छी नींद आने के ज्योतिष के उपाय क्या हैं, कौन से ऐसे उपाय करें जिससे अच्छी नींद आए। अपने सोने के कमरे का रंग क्रीम, हल्का हरा या गुलाबी रखिएगा। कमरे में हल्की सुगंध का प्रयोग करिए। अपने पलंग के नीचे कोई सामान मत रखिए, खास तौर से लोहे की चीज अपनी बेड के नीचे, पलंग के नीचे न रखें। अपने बेडरूम में गंदे कपड़े भी मत रखिए, शयन कक्ष में गंदे कपड़े रखना ठीक नहीं है। गले में चांदी जरूर धारण करिए, चांदी की एक चेन गले में पहनिए अगर नींद आने में दिक्कत है। जिन लोगों को नींद आने में दिक्कत है उन्हें लाल तिलक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जहां आप सोते हैं अपने सिरहाने, पलंग के पाए के पास लोटे में जल भर करके रखिएगा और सुबह उठकर उस जल को पौधे में डाल दीजिएगा। जिस कमरे में सूर्य और चंद्रमा की किरणें थोड़ी बहुत भी आती हों
उसी कमरे को सोने के लिए प्रयोग करिएगा और नींद ना आने की स्थिति में सलाह लेकर के एक मोती या एक ओपल, खास तौर से ओपल पहनने से मन और शरीर रिलैक्स हो जाता है और मन और शरीर अगर आपका रिलैक्स हो जाएगा तो आपको नींद आने में सुविधा होगी। बहुत सारे लोग जब शुरुआत में ओपल पहनते हैं तो उन्हें बहुत आलस्य आता है, बहुत नींद आती है, क्योंकि ओपल आपके मन को, आपके शरीर को शांत कर देता है, चिंताओं को दूर कर देता है। तो अगर नींद ना आने की गहरी समस्या है तो ओपल पहनने से उसमें विशेष फायदा आपको जरूर हो सकता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और साथ ही साथ आपको देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभ की स्थितियां बनेंगी, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, घर में मांगलिक कार्य होने के योग हैं, विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। हनुमान जी की अगर आप उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खान पान का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। रसोई घर में चूल्हा पानी के निकट नहीं होना चाहिए। आपके पानी की सिंक जहां पर है वहां पर चूल्हा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो सेवकों की और सहायकों की समस्या आपको परेशान करेगी। जिनके पानी के स्थान के पास चूल्हा होता है उनके घर में आम तौर पर सेवक, सहायक, मेट्स ये सब नहीं टिकते हैं। अब जान लेते हैं 30 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 30 अप्रैल मंगलवार को प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिए। घर से निकलते समय वही लाल फूल अपने पास में रख लीजिए। अगर आप ऐसा प्रातः काल या दिन के समय में करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब।
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।